आपका सफर रहा, हालांकि आपको हस्बैंड का और अपनी सास का साथ जरूर मिला, लेकिन क्या कुछ वजह है कि इतनी छोटी एज में आपकी शादी कर दी गई? क्या कंजर्वेटिव फैमिली थी इस वजह से जो है कि 18 साल की बेटी हुई बस शादी कर दो, ऐसी कुछ सोच थी? जी जी, मेरे फैमिली में थोड़ा, मैं बड़ी लड़की थी तो बहुत ही रिजिड एनवायरमेंट, आप गेट पे खड़े होकर किसी से बात नहीं कर सकते हो, को एजुकेशन में आपको पढ़ाएंगे नहीं, गर्ल्स स्कूल में जाना है, ट्यूशन नहीं करना है, तो मतलब लड़कियों को बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूँ, बट ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट जो हमारे घर में मिलता था गर्ल्स को, तो उस वजह से कहीं ना कहीं मैं ग्रो नहीं कर पाई, और उनको सबको यही डर था कि 18 साल हो गए हैं अभी शादी कर दो वरना कुछ हो जाएगा जी। तो वो जो सोच उनके अंदर थी वो कहीं ना कहीं समाज के किसी एग्जाम्पल से वो प्रेरित थी, इस वजह से उन्होंने हमारी शादी बहुत जल्दी कर दी, बट मुझे तो लगता है जल्दी की तो अच्छा हुआ, तो आई हैव डेवलप्ड मोर, क्योंकि पहले जब मैं स्कूल में थी तो 8th स्टैंडर्ड में तो मुझे रीडिंग करने को बोलते थे तो आई यूज टू क्राई, मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड थी जी। बट धीरे धीरे जब मैंने अपने आप को आफ्टर मैरिज खड़ा करने की कोशिश की तो वो मुकाम मैंने पाया जो मैं शायद शादी से पहले, अगर शादी के पहले पढ़ाई भी करती तो वो नहीं पा पाती। ये जो भरोसा आपके अंदर आया, ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया, ये एक वजह थी कि क्योंकि आपको मुश्किल से फिर उसके बाद में एजुकेशन अपनी शुरू करने का। हाँ, एग्जैक्टली राइट। तो आप, क्योंकि आपकी सास ने, आपके हस्बैंड ने क्योंकि आपका साथ दिया तो उसकी बदौलत आप आज यहाँ तक तो पहुँच गए हैं उनके सपोर्ट की वजह से, लेकिन आज जो आपकी अपना परिवार था जिन्होंने एक सोच के चलते पहले ही समय से पहले आपकी शादी कर दी, आज वो कितना प्राउड फील करते हैं? हाँ, हर जगह वो प्राउडली बोलते हैं ये मेरी बेटी है जी। जो जिसकी मैंने छोटी उम्र में शादी कर दी पर उसने हिम्मत नहीं तोड़ी और वो अपना जो सपना है वो पूरा कर रही है, वो खुद प्राउडली बोलते हैं इस चीज को। क्या एक सपना देखा था आपने, आपने सोचा था मिसेस इंडिया में जाना? नहीं, ये मेरे सपने में कभी नहीं था जी। और जब मेरी शादी हुई तब भी मैं बहुत ही बिलो एवरेज चाइल्ड थी, आई वाज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, बट घर की सिचुएशन इस तरह देख के मुझे लगा कि मेरा कमाना, मेरा कुछ बनना बहुत जरूरी है, वो इस तरह से मैंने अपने आप को गैदर किया और फिर मैं खड़ी हुई जी। वो जो एनवायरमेंट था वहाँ पे, हस्बैंड वहाँ एयरफोर्स में थे, ही वाज आल्सो नॉट एट वेरी गुड पोजीशन, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मेरी देवर की शादी, उनकी पढ़ाई, सब कुछ था, तो उस जिम्मेदारी को समझने के लिए, समझ जब आई मेरे अंदर, देन आई डिसाइडेड कि मुझे ही करना है। लेकिन मोनिका जी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में 19 साल की एज में आपकी शादी हो गई, क्या ऐसे में, क्योंकि कंजर्वेटिव फैमिली थी, मारवाड़ी जाट फैमिली थी आपकी, थी तो ऐसे में क्या बेटी होने के नाते आपने वो चीजें फेस की घर में कि बेटी हो आप ये नहीं कर सकती हो, वो रोक टोक जो बेटियों पर लगाई जाती है? वो तो था ही, आप बाहर नहीं जा सकते, आप शॉप से कुछ सामान लेने नहीं जा सकते, आप मानेंगे नहीं, हमें जो चाहिए सिर्फ घर पे ही, ड्रेस आपको लेनी तो भी आपको पेरेंट्स ला के देंगे, आपको नहीं जाना है, बिल्कुल घर से बाहर नहीं, बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाना। तो पढ़ाई के लिए आप कैसे निकलते थे? वो स्कूल जब जाते थे, इवन कॉलेज जब जाते थे, तो मेरे फादर मुझे गेट तक छोड़ते थे और लेने के लिए आते थे जी। इस तरह के ओवर प्रोटेक्टिवनेस में हम लोग बड़े हुए। और जो आपके भाई आपके जो थे उनको कितनी फ्रीडम थी? हाँ, उनको फुल फ्रीडम, वो जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, इनफैक्ट वो तो बहुत छोटा था मुझसे, तो कहीं अगर बाई चांस मुझे जाना भी हो, मेरी बुआ के घर भी जाना हो, तो वो मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड बन के चलता था। यानी भाई चाहे छोटा हो, हाँ, लेकिन बॉडीगार्ड भाई बनेगा, भाई ही बनेगा, आप जाओगे। हाँ, तभी आप जाओगे। और किस तरह की आपको चीजें फेस करनी पड़ी, क्या मन में आया कि इस सब को ब्रेक करना है मुझे? उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी और मैं इतनी पैशनेट भी नहीं थी अपनी लाइफ को लेकर, चल रहा है ओके, बहुत ही मुश्किल से तो मैं पढ़ के एग्जाम देती थी और बॉर्डर लाइन पे हमेशा पास होती थी, कोई अरमान कुछ था ही नहीं, कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इतना कुछ पढ़ भी पाऊंगी, तो उस टाइम यही था, चलो बाहर जाने का वो क्रेज जरूर होता है, जैसे स्प्रिंग को दबाते हो आप, वो ज्यादा उछलती है जी। तो वो अरमान तो थे कि बाहर जाना है, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है और नाइट आउट करना है फ्रेंड्स के साथ, ये सब होता था उस उम्र में, ये चीज बहुत कॉमन होती है, तो वो चीजें पूरी नहीं होती थी, आप अपनी पसंद की ड्रेस नहीं पहन सकते हो, एक छोटे बच्चे के लिए कितना पेनफुल होता है जब उसके सारे फ्रेंड्स रोज नए कपड़े और नई फैशन के कपड़े पहन के आते हैं। आई वॉज अ कॉन्वेंट, तो कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ती थी, और आपको सलवार सूट में जाना हो तो वो सिचुएशन उस बच्चे के दिल में क्या गुजरती है वो मेरे को। तो आपने कैसे हैंडल किया उस सब चीजों को? उसको हैंडल तो नहीं किया, बस सहन किया, आप ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं उस चीज को हैंडल कर पाऊं। जी जी। लेकिन शादी के बाद में जब आपको फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए सपोर्ट मिला, आपको वापस से कॉलेज जाने को मिला, लेकिन आपको पोशाक में ही जाना है कॉलेज में, तो ऐसे में आपके जो फ्रेंड्स थे वो आपको घूमता गल बुलाते थे, तो वो एक प्रेशर आपको नजर आता होगा या खुद को फील लो फील करते हो गए आप, तो उस टाइम पे वो प्रेशर कैसे हैंडल? इनिशियली फील हुआ और बट आफ्टर सम टाइम मैंने कहा ये सबको मुझे अवॉइड करना है, मतलब अचानक ही अपने आप जिम्मेदारियों की वजह से मैच्योरिटी आई,
इनिशियली बहुत लगता था कि सारे लोगों के ऐसे है और मैं एक ऑड वन आउट हूँ, बट बाद में ये समझ मैंने अपने आप में डेवलप करी कि ये सब करने अगर मैं अपना दिमाग इसमें लगाऊंगी तो जो मेरा एम है मैं उससे हट जाऊंगी. तो मैंने महीना दो महीना फील हुआ, देन आई जस्ट मैनेज माई सेल्फ. मैंने अपने फोकस बना लिया कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और अपने आप को प्रूव करना है. जैसे आपने बताया कि आपकी डिलीवरी हुई थी, सिजेरियन बेबी था, जी, उसके नेक्स्ट डे ही आपको जाना पड़ा. हालांकि जाहिर तौर पर समाज के लिए एक आप इंस्पिरेशन तो बन ही गई हैं इस सब के जरिए जो आपकी लाइफ रही है, लेकिन उस टाइम पर आपके कॉलेज में या आपके टीचर्स का, आसपास के फ्रेंड्स का, उनके कैसे रिएक्शंस आए? फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट मिला बिकॉज मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम था और मैं 20 में ही मेरी बेटी हो गई थी, और उसको जब मैं लेके साथ में गई तो कई लोग वहाँ पे खड़े हो गए, आप एक काम करते हैं, हम आपको कुशन देते हैं, हम आपको ये करते हैं. मतलब दैट पेन वॉज विजिबल, वो पेन जिससे मैं गुजर रही थी वो दिख रहा था, बिकॉज एक 19-20 साल की बच्ची को सिजेरियन बेबी हुआ है, वो किस पेन से खड़ी होगी. मतलब वो छोटा भी, छोटा दर्द भी होता है वो बहुत बड़ा लगता है उस एज में, पर ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था. तो बहुत मुश्किल से मैं वहाँ पहुँची, तो कई लोग मेरी मदद के लिए आए. इनफैक्ट मेरी टीचर्स भी वहाँ मेरी मदद के लिए खड़ी थी, ऐसा नहीं कि कोई मदद नहीं मिली मुझे. लेकिन इस सब के पीछे क्योंकि आपका एक जुनून था, जुनून मुझे ये करना है, मुझे ये चीजें हैं जो एक वो अचीव करनी है, पढ़ाई पूरी करनी है, और ये जुनून ही था जो मोनिका चौधरी जी आज यहाँ पर हैं और इतना सब उन्होंने उपलब्धियां जो है वो अपने जीवन में हासिल कर लिया. लेकिन मोनिका जी, आप क्योंकि मिसेस इंडिया की तरफ भी गए, आपको आज ही टाइटल भी मिला है मिसेस इंडिया गॉर्जियस का, तो ऐसे में आज लाइफ तो बदली है, सब लोग प्राउड जाहिर तौर पर फील करते हैं, सोसाइटी की एक सोच आपको बदलनी थी, वो आप बदलने में भी कामयाब हुए. जी जी जी, और काफी लेडीज इससे इंस्पायर होकर आगे बढ़ी हैं. जी जी, तो कैसे आप देखती हैं, क्योंकि एक सोसाइटी की जो सोच थी उसको आपको बदलना था, जो आप बदल भी पाए हैं, कितना आपको बदलाव नजर आता है आज? बदलाव इस तरह से नजर आता है कि औरतों में मुझे ज्यादा बदलाव, क्योंकि मैं ये चीज देख रही थी इतनी टैलेंटेड लेडीज थी जो शादी के बाद अपना करियर खत्म करके बैठ जाती, मतलब नहीं होगा हमसे, या तो घर संभालेंगे या अपने आप को संभालेंगे. वो चीज बहुत डूबती हुई जब मैंने देखी, अपने परिवार में देखी और आसपास में देखी, मुझे बहुत पेन फील होता था कि आप क्यों नहीं कर सकते. और मिसेज इंडिया में जब ये पहली बार मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया ऐसे करके टाइटल है आपको जाना है, तो मेरे दिमाग में यही आया कि ये जो लेडीज हैं, ये जो सोच रही हैं कि हम फैमिली के साथ सब कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, स्पेशली उसके लिए मुझे पार्टिसिपेट करना. एंड अब कई लेडीज ने एनरोल किया है अपने आप को पढ़ाई के लिए, कईयों ने अपने घर पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, बट मेनी ऑफ देम मेरे आसपास के लोग जो मेरे आसपास हैं वो उनमें चेंज में देख रही हूँ और उससे मुझे बहुत खुशी होती है. आज आपके बच्चे कितना प्राउड फील करते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. इनफैक्ट मेरा छोटा बेटा तो बहुत ज्यादा खुश होता है. जी, जाहिर तौर पर होंगे क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनकी मम्मी ने किस तरह से स्ट्रगल किया है, उन सबको भी संभाला है, परिवार की जिम्मेदारियां भी संभाली है और अपने सपनों को भी पूरा किया है. लेकिन मोनिका जी, आपको इसके साथ में और क्या करना पसंद है, क्योंकि सब ये भी जानना चाहेंगे मिसेस इंडिया अर्थ तो बन गई है मोनिका जी, लेकिन उनकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज, मैं एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, काफी सारे एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ. मुझे बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है. जिस तरह से मुझे अंडर कॉन्फिडेंट में जब थी, उस टाइम मुझे एक टीचर मेरी मिली थी जिन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया, उस वजह से कहीं ना कहीं वो भी मेरे उस डेवलपमेंट में भागीदार है. तो मैं बच्चों के अंदर जिस जहाँ जहाँ मैं देखती हूँ कि मेरे जैसी कई बच्चियाँ हैं और है इनफैक्ट, उन सब के साथ वर्क करना और उनको उस लेवल से उठाना, ये मेरा पैशन है. इनफैक्ट मेरे टीचर्स जो है, जिनको जो मेरे अंडर काम करती है, उनकी प्रॉब्लम्स भी मैं सॉल्व करती हूँ और उनको जब आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हूँ मैं, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. तो वो चीज़ मैं बहुत करती हूँ, बहुत करती हूँ, और वही मेरे लिए मेरी हैप्पीनेस, हॉबी, खुशी, सब कुछ. आज सब समाज के लिए ही जो करना है बस वही सब हॉबी बन गया है. एक मैसेज जो आप देना चाहें आज समाज के लिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी भी आप, स्पेशली लेडीज के लिए मेरे मैसेज है कि आप कभी भी आगे बढ़ना चाहो तो उसके लिए आपको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है. आप अपना सही टाइम, सही समय पे अपने काम को डिवाइड करिए और आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो लाइफ में आप चाहते हैं. अपनी बेटियों को इतना आगे बढ़ाइए. मेरे लिए चलो, मैं खुशकिस्मत थी कि मेरे को मेरा ऐसा परिवार मिला, इन लॉज मिले, शायद आपकी बच्ची को ना मिले तो उसके मन में वो मलाल ना रह जाए कि आपकी बेटी जो है वो दब के घुटन की जिंदगी जी रही है. उसको बाहर निकालिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको आगे बढ़ाइए.
देखिए महिलाएं जो सोचती हैं कि शादी हो गई है हमारी तो ऐसे में हमारा जो सपने हैं वो यहीं पर छूट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एक उदाहरण हमारे पास है मोनिका चौधरी जी, जो आज पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, हर उस बेटी के लिए जो है उदाहरण आज बनकर सामने आई है। क्योंकि जीवन का जो संघर्ष मोनिका जी ने देखा है वो वाकई में चुनौतीपूर्ण रहा था, लेकिन उस सब के बावजूद, एक कंजर्वेटिव फैमिली से होने के बावजूद, मोनिका जी ने समाज की सोच बदली है, ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ा, ट्रेडिशंस को लेकर साथ में आगे बढ़ी है, और साथ ही आज सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी वो बन गई है। तो हमेशा हर एक उस बेटी के लिए जो भी अपने जीवन में जो हासिल करना चाहती है, एक दृढ़ संकल्प जो है खुद के मन में आप कर लें कि आपको ये लक्ष्य हासिल करना है, तो आपको कोई नहीं डिगा सकता, और यही जो है साबित भी किया मोनिका जी ने। फिलहाल मैं बेटी हूँ, मैं आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते आपकी मुलाकात कराएंगे एक और ऐसी ही बेटी से। लीजिए इजाजत, नमस्कार।